आपको लग सकता है दिस इज जस्ट अ रैंडम वीकेंड गेट अवे वाला व्लॉग, तो नहीं, रुक जाओ. दिस इज अ व्लॉग वेर आई हैव एक्चुअली क्रैक्ड अ डील टू गेट अ सूट एट ₹4,500. हमने बेस्ट पब इन पुणे ढूंढा है. वी नॉट ओनली वेंट देयर बट वी वेंट टू अ मिनी इंडस्ट्री जहाँ पे हम प्लास्टिक्स को कन्वर्ट होते हुए देखा इन द मोस्ट इनक्रेडिबल डिजाइंस. एंड लास्टली हमने तीन कैफेज हॉप किए टू फाइंड द बेस्ट एम्बियंस एंड बेस्ट प्लेस टू ट्राई द फूड इन पुणे. शुरुआत हो चुकी है. हम कल्याण स्टेशन पे है, सुबह के 6 बजे है और हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी अभी है. राइट इन फ्रंट ऑफ यू मिलिए दुबई रिटर्न प्राची से और मुलुन से आई कुटू से, योर फ्रेंड सिंस 1993. पर ये अपना ट्रेन का नहीं है कोचेस. ट्रेन लेट होने की वजह से ना हमारा ऑलरेडी सारा स्केड्यूल काफ़ी पीछे चल रहा था, बट दैट्स ओके बिकॉज आई फील सफ़र का मज़ा कंपनी बेस्ट होने की वजह से होता है. बिकॉज ये दोनों नमूने जो आज ट्रिप पे आए वो मेरे दिल का पूरा टुकड़ा है. ये ट्रिप मेरे मेंटल हेल्थ बिहेवियर को सुधारने के लिए शायद हमने रखी थी, बिकॉज आई फील उसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत है. रिक पकड़ के वी आर अबाउट टू रीच कोरेगांव पार्क वेर आई फाउंड द बेस्ट डील दैट आई स्पोक अबाउट इन द इंट्रो. लेट्स रीच द प्लेस. वी आर एट ए आर ज्वेल्स रॉयल स्वीट. हेलो हेलो हेलो, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज आरुषि एंड वेयर इन द वर्ल्ड एम आई टुडे? आई एम इन पुणे विद माय फ्रेंड्स. आई एम एक्चुअली मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आई हूँ यहाँ पे. वी जस्ट वांटेड कि मुंबई से कोई पास में लोकेशन हो. लोनावला सुपर क्राउडेड एट वीकेंड्स. तो पुणे में आई फाउंड दिस अमेजिंग सूट एंड प्रॉपर्टी विच आई विल शो यू. बहुत सस्ते में दिस प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग. जेस्चर्स अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट. अगर आप कहीं भी मुंबई से पास में, यू जस्ट नीड अ वीकेंड गेट अवे, this place can be your spot. I'll take you around the room. Thank God, touchwood, was just as beautiful jaise pictures mein dikhaya tha. It's a 1 BHK suit with a living room, balcony, kitchen and a master bedroom, and I got this only for ₹4,500 divided by 3. Trip ekdam saste mein ho gayi hamari. पहुँच के हमें इतना ज़्यादा भूख लगा था ना कि लिटरली हमने 10 मिनट में जो भी खाना ऑर्डर किया था ख़त्म किया. एंड वी वेंट फॉर अ क्विक पावर नैप क्योंकि रात का प्लान था कि हम रात को जाने वाले हैं कहाँ. वी ऑलरेडी चेंज आर आउटफिट गाइज. माई कॉलेज की बेस्टी हैज़ टर्न 30 एंड आई कन्विंस दीज गाइज टू मीट हर एंड पार्टी विथ हर. सो वी फाउंड अ प्लेस टू डांस ऑल नाइट और हम हैं यहाँ पे करेंटली प्लंज में जहाँ का फूड वॉज ओके बट डीजे वॉज अमेजिंग, क्राउड वॉज नॉट बैड एंड द एम्बियंस वॉज 100 on 100. एंड दिस इज हाउ वी एंडेड आर डे 1 ऑफ आर ट्रिप. And we danced until our legs couldn't feel us. Guys, a very good morning. It's day 2 in Pune. And आज हम कुछ तो अलग करने जाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू एन इंडस्ट्री विच रिसाइकल्स प्लास्टिक. आई एम गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड इकोकारी विच रिसाइकल्स प्लास्टिक टू मेक ब्यूटिफुल बैग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ. ना आई हैव टू चेक एग्जैक्टली क्या बनाते हैं वो लोग, बट आई सॉ देयर रील ऑन इंस्टाग्राम विच वेंट वायरल और मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कूल है एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू एज मेनी पीपल एज आई कैन. सो दैट्स वाई एम गुड बी ब्लॉगिंग दैट प्लेस. गुड टू टेक यू अलॉन्ग विद मी. लेट्स हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन हेड टू इकोकारी. तो सुबह रिक्शा की सवारी हमें पहुँचाएगी इकोकारी. Hi, so I am currently with Tanvi who is in the design team. Acha, 9 months. Okay. So she's the one who I actually reached out to understand more about this place. She'll give us a quick idea of what this place is exactly about and how we as citizens can help you in growing this business. It started because of our founder. And he used to go on a lot of treks and that time he realized that there's a lot of waste that we as citizens create and we don't do much about it. Mm-hmm. So the entire process started there where he thought about what can be done with this and hence Ecokari was born. So how currently Ecokari ka kaise process hota hai?
वो सब जानने के लिए आप इकोकारी में कब से काम कर रहे हो? दो साल से काम कर। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताएगी। यहाँ पे एक्चुअली पूरा प्लास्टिक का जो जो ये लोग को पार्सल जाए ये सब पीछे है एट द बैक साइड, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से। ओके, तो प्लास्टिक आने के बाद उसको सेग्रीगेट किया जाता है और फिर उसकी कटिंग होती है, कटिंग के बाद उसको धोया जाता है, धोने के बाद फिर उसको कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग किया जाता है कि सफ़ेद अलग, ऑरेंज अलग, उसके अकॉर्डिंग फिर फैब्रिक बनता है ना। तो अभी ये वाइट का कटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो अभी करेंटली वाइट ही। हाँ, वाइट अलग अलग कलर, वाइट और सिल्वर का चल रहा है। अच्छा, ओके। हाँ, सिल्वर वहाँ पे। हाँ, तो एक छोटे से जगह में आपने सब कुछ अकोमोडेट कर लिया है ना। हाँ, हम देखते हैं उसकी बॉबिन कैसे भरी जाती है। कमाल तो इनके हाथों और दिमागों में है जो प्लास्टिक जैसी वस्तु को इतना सुंदर रूप दे रहे हैं। तो उसके बाद वो बॉबिन इधर आती है, सेम जो साड़ी के लिए यूज होता है, सेम स्ट्रक्चर। हाँ, तो बॉबिन के बाद ऐसे थ्रेड जैसे बनता है क्या? हाँ, ये लंबा थ्रेड बन जाता है। अच्छा, फिर इसको मटेरियल में कन्वर्ट होता है जो यूज कर सकते हैं। हाँ, कितना दिन लगता है ये पूरा कंप्लीट होने को? तो फैब्रिक बनने के बाद ये फैब्रिक इधर आता है, ये हमारा अगले स्टेप है कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। हर एक डिजाइन यूनिक है एंड थॉटफुल है। यहाँ पे आप प्लास्टिक्स कुरियर या डोनेट कर सकते हो, बट प्लास्टिक्स भेजने का भी एक तरीका है जो आप पहले वेबसाइट पे पढ़ लेना। कॉल ऑन द नंबर इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड देन ओनली सेंड देम। दिस इज आवर प्रोसेस एंड वी हैव बीन अराउंड फॉर द इकोकारी एज अ कंपनी हैज बीन अराउंड फॉर द लास्ट 2 years and we also do a lot of exhibitions in and around India. So if you think that you cannot courier the plastic to us, you can always donate it to us at the event we are doing in the city. यहाँ से हम सीधा FC रोड पहुँच रहे हैं टू हैव फूड एंड जूसेस फ्रूट फील एंड रिटीरेट, जो FC रोड की मिडिल में है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड जॉइंट्स दैट आई फाउंड, जहाँ पे कॉलेज के लोग थे। यहाँ पे थोड़ा विंडो शॉपिंग करना ज़रूरी था बिकॉज वी आर गर्ल्स यार, FC रोड पे आए यार शॉपिंग नहीं की, ऐसा तो हो नहीं सकता। काफ़ी कलेक्शन था बट वी डेंट ऑनेस्टली लाइक द कलेक्शन। तो हम घूमते घूमते कब शाम हो गई पता नहीं चला, और ये बुक्कड़ लोग अभी खा के घूम के वापस पचा के वापस हम पहुँच गए हमारे होटल के बाहर एक मिसल जॉइंट के यहाँ पे टू हैव मिसल पाव। नो इंट्रोडक्शन नीडेड यार, सुबह की शुरुआत अगर स्विमिंग से हुई तो आई थिंक इट्स अ गुड शुरुआत। जब ठंडा ठंडा पानी हिट्स ऑन योर बॉडी ना, यू ऑटोमेटिकली फ्रेशन अप। एक्चुअली टाइम टू चेक आउट, सो वी वेंट इन द पूल। पूल काफ़ी ठंडा था। पहली बार वी विजिटेड द इंडोर पूल विच इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। द पूल इज अमेजिंग, यू हैव अ चेंजिंग रूम सामने एंड नाउ वी आर एक्चुअली हेडिंग आउट। टुडे इज गोना बी द लास्ट डे इन पुणे बट इट्स गोना बी अ फन डे बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डू कैफे हॉपिंग। अब पता नहीं कितना ही सक्सेसफुल होगा बट दिस इज व्हाट द प्लान इज, सो लेट्स जस्ट गो। We're ready for cafe hopping just as we had planned. I'm excited. Kuttu is wearing a mini picnic dress. Kuttu, you're looking very pretty. The first stop is going to be Toyet. We've heard about this place. Pata nahi kaisa hoga. We booked our Uber rickshaw. कैफ़े हॉपिंग मतलब हम एक मील करने वाले हैं इन ईच कैफ़े, लाइक स्टार्टर्स इन वन कैफ़े, मेन कोर्स इन एट वन कैफ़े एंड डेजर्ट एट दी अदर। तो हमने टोटल बजट रखा है 1500 फॉर द एंटायर मील एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस। आई गेस मैं फर्स्ट कैफ़े में बोल्ड आउट हो चुकी हूँ। This place vibrant है, classic है, every corner is decorated. It's amazing. And यहाँ पे हमने order किया है beer के testers along with hummus and pita bread. Bill हुआ 650, so we are left with 950 out of 1500 rupees. How was the review of Toyet? Fab. If you're in Pune, cafe hopping is a must because there are amazing cafes. पूरा बांद्रा वाइब दे रहा था एंड दिस कैफे स्पेशली टॉयट, दे ब्रू देयर ओन बियर, दे हैव अमेजिंग फूड, गुड फायर पिज्ज़ा इज़ अ मस्ट। हाँ, एंड आई एम वेविंग एट दी ओला ऑटो वाला एंड इट्स अमेजिंग। टाइम फॉर कैफे हॉपिंग 2, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच यूनिकॉर्न हाउस।
बारिश आ गया यार सडनली. लाइक आई सेड वी वर नॉट रेडी फॉर मुंबई, नहीं पुणे की बारिश. बिना थोड़ा ग्रीक वाइब्स ऐसे और हम जा रहे हैं कल्याणी नगर, विच इज द हब ऑफ क्वर्की कैफेज. आवर नेक्स्ट स्टॉप फॉर हैविंग लंच इज द डेली एंड उसके सामने वी हैव आवर डेजर्ट सेंटर. I've heard a lot about this place. Yahan pe live music and everything is there. Let's check out if we actually find the vibe. तो हम ऑलरेडी टॉयलेट के वजह से बोल्ड हो चुके थे, बट द डेली का वाइब वाज अगेन वेरी डिफरेंट. लाइव म्यूजिक, शीक, क्लासिक, अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट आई लव द वाइब. इफ आई वाज इन पुणे, दिस वुड बी माय स्पॉट. 300 रुपीज यहाँ से बचा के हम जा रहे इसके ऑपोजिट ही सासी टी स्पून, विच इज द डेजर्ट हब, ऐसे हमको लग रहा है. हम चूज नहीं कर पा रहे क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो हमने जो जो हमें क्यूट लग रहा था और हमें लग रहा था खाना चाहिए, वी हैव ऑर्डर दैट. 3 केक्स इन अ रो एंड भाई साहब द टेस्ट इज हेवन. बेस्ट डेजर्ट प्लेस, मतलब मैंने इतना बाप रेड वेलवेट केक कभी नहीं खाया था. वी विजिटेड द सासी टी स्पून यहाँ पे, सो गुड. कल्याणी नगर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग कैफेज इन पुणे. वी वर गोइंग बैक टुडे टू आर हाउस एंड आई नेवर थॉट स्किपिंग लोनावला और करजत वॉज द बेस्ट डिसीजन. लाइक सीरियसली, वी वर लाइक टूरिस्ट इन आर ओन स्टेट. आई स्पेंड दिस वीकेंड विद माई चड्डी बडीज हु एक्चुअली कम्प्लीट मी. आई कैन नॉट इवन आस्क फॉर एनीथिंग बेटर देन देयर फ्रेंडशिप. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो. वी डिड एवरीथिंग पॉसिबल वी कुड इन पुणे इन दीज टू डेज एंड आई गेस दिस इज the best way you can actually spend a weekend in Pune. Let me know your thoughts in the comment section below and I'll see you soon. Bye.